हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने जैसे टाइटल में और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें उल्टी की प्रॉब्लम होगी, प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग होती होगी, जी मचलाता होगा, उबकाई सी आती होगी। तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या संकेत होता है, क्या इसका संकेत, ये क्या संकेत देता है लड़का होने का या फिर लड़की होने का, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। साथ में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहूंगी, जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी इस तरीके की वीडियोज़ बनाने का। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने महसूस किया होगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, किसी को सुबह उठते से ही जी मचलाता है, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, कमजोरी सी आती, वीकनेस सी आती है और उल्टी कभी कभी हो भी जाती है। कुछ लोगों को तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ये वाली कि वो लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ही जी मचलाने लगता है और वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो बड़े बुजुर्ग महिलाओं का कहना है इस पर क्या होता है। सो कहा जाता है कि जिन महिलाओं को भी वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उन्हें बेटा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक, मतलब पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा और चौथा महीना, इस दौरान ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखी जाती है और फिर 4 महीने के बाद में ना धीरे धीरे ये कंट्रोल हो जाती है और हमारी धीरे धीरे कम होती है और एंड में आते आते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उल्टी की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। लेकिन कुछ महिलाओं को पूरे 9 महीने वॉमिटिंग की शिकायत रहती है। सो जैसा कि मेरे साथ भी था, मुझे भी ना पूरे 9 महीने वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी और बड़े बुजुर्गों का ये कहना होता है कि इससे लड़का होता है, तो ये मेरे साथ बिल्कुल सही साबित होता है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादा वॉमिटिंग आने का मतलब क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि कुछ भी खा रहे हो और वॉमिटिंग आ जाती, उल्टी हो जाती, सारा खाना निकल जाता है। सो ऐसे में हमारे शरीर में वीकनेस हो सकती है, बेबी को पोषण न्यूट्रिशन अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है। तो ज़्यादा उल्टी आना अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपको बहुत कुछ भी खा रहे हैं उल्टी हो रही है, कुछ भी लिक्विड भी ले रहे हैं तो भी उल्टी हो रही है, तब आपको बिना सोचे समझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लेकिन अगर किसी को 4-5 दिन में एक बार हो रही है तो इट्स नॉर्मल, लेकिन एक दिन में 4-5 बार हो रही है तब आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ये खतरे की निशानी हो सकता है। और अगर आपको 3-4 दिन में एक आध बार उल्टी आती है, मतलब कम आती है, तो इस कंडीशन पर आप क्या कर सकते हैं, आप लेमन वाटर पी सकते हैं और खाना खाने से पहले ना आप ज़्यादा पानी मत पिए, क्योंकि पानी जो होता है ना वो ट्रिगर करता है उल्टी को। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको उल्टी हो सकती है। जब भी आप खाना खाएं उसके 1 घंटे के बाद पानी पिएं, खाना खाने के तुरंत पानी ना पिएं। और अगर आपको वॉमिटिंग होती है, टैबलेट्स जो आयरन कैल्शियम की फोलिक एसिड की टैबलेट होती है उसके बाद अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो क्या कर सकते हैं आप, कि एक मतलब गैप से खाइए टैबलेट, यानी कि आयरन की सुबह ले ली तो फोलिक एसिड की शाम को लीजिए, इस टाइप से थोड़ा सा गैप करके। अगर हम एक साथ खाते हैं ना तो उल्टी जैसा मन करता है। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि सुबह उठकर जब मैं ब्रश भी करती थी ना तो भी मुझे ये प्रॉब्लम होती थी वॉमिटिंग की। सो आई होप कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे होंगे। अगर वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।